हाँ, सभी लोग तैयार। 3 2 1 स्टार्ट। मानव जीवन की प्रगति, पुरुषार्थ और दिव्यता पुरखों के परम आशीष से ही फलीभूत होने का प्रमाण शास्त्रों में वर्णित है। विराम। वर्ष में एक बार पुरखों के प्रति सनातनी श्रद्धा का एक पक्षीय अनुष्ठान का समय निर्धारित है। विराम। हम इस बात से अवगत हैं कि श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ पितृसत्ता भूमंडल पर चैतन्यावस्था में विराजमान रहती है। विराम। हृदय से अर्पित श्रद्धा ही श्राद्ध का चिरंतन स्वरूप है। विराम। अपने पूर्वजों के प्रति आदर, स्नेह, विनम्रता एवं श्रद्धा भाव से नियम पूर्वक किया जाने वाला मुक्त कर्म ही श्राद्ध है, जिसे हम पितृ ऋण से मुक्ति पाने का सहज और सरल उपाय कहते हैं। विराम। पैरा। जन्मदाता माता पिता को उनके स्वर्गवास के पश्चात लोग भूल न जाएं, अतः हिंदू धर्म के शास्त्रों में उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान वर्णित है। विराम। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर तीन तरह के ऋण यथा पितृ ऋण, देव ऋण एवं ऋषि ऋण कहे गए हैं। विराम। पितृ ऋण को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसमें पिता के साथ माता एवं समस्त वृद्ध भी शामिल हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने एवं प्रगति में सहयोग प्रदान किया है। विराम। पैरा। अपने देश में अपने पुरखों के साथ संबंध स्थापित करने की यदि कोई वैज्ञानिक विधि है तो उसका नाम है श्राद्ध विधि और तर्पण विधि। विराम। यह अनुष्ठान गंगा नदी के तट पर गया धाम अथवा तीर्थों में संपन्न होता है। विराम। गंगा जल में वे तत्व मिश्रित हैं जो सीधे पुरखों के साथ संवाद कराते हैं। विराम। कई शोधकर्ताओं ने भी इसे स्वीकार किया है कि गंगा जल की पवित्रता अन्य नदी के जल से श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। विराम। हालांकि अपवाद रूप में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनके पास न तो गंगा जल है न तीर्थ स्थल है। विराम। ऐसे लोग यदि पितृपक्ष काल में मनोयोग पूर्वक अपने पूर्वजों को याद कर जल आचमन कर लें तो वह भी श्राद्ध का अंश ही है। विराम। सारांशतः श्रद्धा भाव से पूर्वजों को स्मरण करना ही सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। विराम। पैरा। माँ दुर्गा का दैत्यों से युद्ध का मतलब मनुष्य शरीर पर आक्रमण करने वाले विषाणुओं का दमन है। विराम। क्योंकि विषाणु मनुष्य को मृत्यु के द्वार तक ले जाते हैं, इसलिए माँ उनसे पूरी ताकत से लड़ती है, क्योंकि इस शरीर को अपने रक्त मज्जा और तमाम तत्वों से वही सृजित करती है। विराम। वह गर्भ से लेकर जन्म के बाद तक खुद को संकट में डालकर
संतान की रक्षा करती है। विराम, मनुष्य यदि गौर से देखे तो शरीर में मन की जो जिजीविषा शक्ति है वह माँ स्वरूपा ही है। विराम, मन की आवाज किसी माँ की तरह हर अच्छे बुरे कर्म करने से पहले रोकती है। विराम, इंसान जब उसे ठुकराने लगता है तो माँ चुप हो जाती है। विराम, संतान के आगे चुप होना माँ ही जानती है और फिर जीवन में संतान कष्ट भी पाता है। विराम, वर्तमान में विषाणुओं का हमला धर्म ग्रंथों में उल्लिखित दैत्यों के आक्रमण से मेल खाता लग रहा है। विराम, इसीलिए संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए धर्म ग्रंथों में विधिक जीवन जीने के जो उपाय बताए गए हैं उसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। विराम, मनुष्य की सजगता ही उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा का सूचक है। पूर्ण विराम।